बिल्कुल अच्छे से आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए ये वाला वर्क ना भी बहुत चल रहा है, जो पैटर्न है ये बना है, फिर बीच बीच में ये इस तरीके। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं ममता मीणा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से ममता मीणा फैमिली चैनल में। तो आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिर्फ ओढ़निया। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आप ओढ़नी दिखाइए, कोई कहता है हमें लहंगा चाहिए, कोई कहता है हमें बस ओढ़नी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ओढ़नियों का एक वीडियो लेकर आई हूँ, और जल्दी ही लहंगों का भी एक सेपरेट वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगी। तो आज मैं आपके लिए ओढ़नियों का वीडियो लेकर आई हूँ, और यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर की ओढ़नियाँ पड़ी हैं, ये देखिए। अगर आपने इस वाली ओढ़नी का वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये ऑर्डर की हैं, एक ये है, एक ये है, और भी अभी बन के आनी बाकी हैं, और कुछ ओढ़नियाँ चली गई हैं, और कुछ अब जाने वाली हैं एक आध दिन में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली ओढ़नी। ये बिल्कुल लाइट कलर की ओढ़नी है, बिल्कुल लाइट कलर है इसका। इसका ना कलर कौन सा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल लाइट सा कलर है, जैसे बिल्कुल मिंट कलर नहीं होता, मिंट कलर जो बिल्कुल लाइट शेड में हो उस टाइप का इसका कलर है। तो कलर तो आपको इसमें और भी मिल जाएंगे, जैसे किसी को डार्क लहंगे के लिए बिल्कुल लाइट वाली शेड चाहिए होती है ओढ़नी में, तो वो इसके ऊपर जा सकते हैं, बाकी कलर इसमें चेंज हो जाएगा। तो पहली ओढ़नी ये है, देखिए कुछ इस तरीके का इसका वर्क है। ये हाथ वाली ओढ़नियाँ हैं, हाथ से बनाया हुआ है ये पूरा वर्क, और ये इसमें गोटा लगाया हुआ है, फिर ये वर्क है, और फिर ये वाला गोटा है। इस वाले गोटे का ये फायदा होता है कि इसको ना आप किसी भी लहंगे के साथ पहन सकते हैं। वैसे तो कोई भी ओढ़नी किसी के भी साथ चल जाती है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी जैसे गोल्डन होता है ना, तो उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये गोटा है, ये वर्क है इस तरीके का, बिल्कुल अच्छे से आपको दिख रहा है वर्क। तो ये इसी तरीके का वर्क इसके चारों कोनर्स पर मिल जाएगा। डेड पार्ट की है ये ओढ़नी, उसमें फिर ये इस तरीके के फूल का पैटर्न है, और ये छोटे वाले फूल का पैटर्न भी है ये, ठीक है। रेड कलर की इसमें पाइपिंग निकलवाई हुई है, जैसे कि मैं हर ओढ़ने में बताती हूँ उसी तरीके से इसमें भी, अगर आप चाहें तो ये गोटा और ये पाइपिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको ये वर्क चाहिए लेकिन कलर दूसरा चाहिए तो वो हो जाएगा। दूसरी बात, ड्रेस बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखा करिए। हम लोग भी ऑर्डर लगवाते हैं, फिर वो हमें बना के देते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई मैं अकेली हूँ उनके पास ऑर्डर देने के लिए, उनके पास बहुत से ऑर्डर होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। अब ये नहीं हो सकता कि आपने आज ऑर्डर लगाया और मैं आज या कल ही आपका ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच कर दूँ, तो प्लीज थोड़ा सा वो चीज़ समझा करिए, टाइम लगता है। तो मैं इसको आपको डाल के भी दिखा देती हूँ कि ये डालने के बाद कैसी लगेगी। जैसे किसी को ना, जैसे वो ब्लू वाले लहंगे की बात है, उसके ऊपर जो मैंने ओढ़नी दिखाई थी वो बिल्कुल लाइट वेट थी, तो किसी को ये था कि लहंगा तो हमें यही चाहिए, लेकिन ओढ़नी ना इसकी हैवी में चाहिए। तो उस तरीके से अगर आपको भी ब्लू लहंगा पसंद आता है, अभी तो खैर उसका कपड़ा ही नहीं है, लेकिन जैसे वो तो आ जाएगा, लेकिन आपको भी जैसे उसके साथ हैवी ओढ़नी चाहिए, तो आप इनमें से किसी के भी साथ जा सकते हैं। आज मेरे पास जो भी ओढ़नी है ना, वो थोड़ी हैवी ही है, और हाथ वाले वर्क की हैं सब।
ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये लुक देगी। तो पहली ओढ़नी ये है हमारी, दूसरी ओढ़नी मेरे पास ये है, ये डार्क ऑरेंज कलर में है, डार्क है इसका कलर, तो आप अगर ऑरेंज कलर में चाहते हैं तो इसमें लाइट शेड भी बन जाएगा। इसमें भी वही गोल्डन कलर का गोटा है, ग्रीन कलर की पाइपिंग है, और इसका वर्क अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके का इसमें वर्क है। ये जरी वाला यहाँ पे ना कुछ जरी टाइप का काम किया गया है, और फिर उसमें ये फ्लावर वाला पैटर्न दिया है। अब मैं इसको है ना सबको खोल के नहीं दिखाऊंगी, बाकी आप वर्क देख लीजिए इतना ही। और यही सेम वर्क है चारों बॉर्डर्स पर, और डेड पार्ट की है। कलर आपको समझ में आ ही गया, कलर आपको दूसरा भी मिल जाएगा इस तरीके के। इसमें ना बूटे मिलेंगे बीच बीच में, और इसमें स्टोन्स भी लगे हुए हैं। इसमें जो बूटे हैं ना वो गमले टाइप के हैं, ये देखिए जैसे गमले नहीं होते फूल गमले वाली में, वैसे हैं इस टाइप के। इसमें बूटे हैं और ये स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेकेंड ओढ़नी हो गई। वही बात, इसमें भी आप ओढ़नी में लेस भी चेंज करवा सकते हैं अगर आपको ये वर्क पसंद आ रहा है तो, और आप इसका कलर भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई सेकेंड ओढ़नी। अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड ओढ़नी, जो कि अभी बहुत ज्यादा इन है फैशन में। ये देखिए ये वाला वर्क ना भी बहुत चल रहा है, ये देखिए ये भी ऑरेंज कलर में ही है, ठीक है। इसका वर्क कुछ इस तरीके का है, ये अच्छे से देख लीजिए आप, अच्छे से विजिबल हो रहा है आपको, है ना। ये देखिए ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। तो यही बॉर्डर चारों जो इसके कॉर्नर्स हैं चारों साइड्स पर आएगा, और इसमें जो फूल हैं वो इस तरीके के हैं बड़े बड़े से, ये देखिए है ना। ठीक है, ये भी ऑरेंज कलर में है, इसमें भी वो जो स्टोन्स लगे हैं वो लगे हैं। ये भी हाथ की ही नहीं, ये मशीन वाली है, ये हाथ का वर्क नहीं है इसमें, इसमें मशीन का वर्क है। और पिछली वाली में मैं बताती हूँ आपको कौन सा वर्क है, जो मैंने फर्स्ट में दिखाई थी उसमें तो हाथ का ही काम था, ये जो मैंने सेकंड नंबर पे दिखाई है इसमें भी मशीन का काम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चौथे नंबर पर, ये गाजरी कलर में है, ये देखिए इसका काम हाथ का है पूरा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हैंडवर्क है इसमें, और ये इस तरीके का इसका पूरा वर्क आएगा। ये जो पैटर्न है ये बना है, फिर बीच बीच में ये इस तरीके का, ये ना सारी ओढ़नी में इसी तरीके का आएगा।
इसके चारों कॉर्नर्स पर इस तरीके का एक बड़ा सा फूल का पैटर्न दिया हुआ है चारों कॉर्नर्स पर, और बीच बीच में ना इस टाइप के छोटे छोटे फूल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चौथे नंबर की ओढ़नी। अब मैं आपको दिखाती हूँ पांचवी और आखिरी ओढ़नी। ये इस तरीके का वर्क है इसमें, ये भी हाथ से ही बनी हुई है, देखिए। ठीक है, ये गोल्डन कलर का गोल्डन कलर की लेस है, ग्रीन कलर की पाइपिंग, उसके बाद में ये देखिए ये बारीक 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 सी डिटेलिंग गोटा पत्ती की है इसमें, और ये बीच में ना ऐसे स्टोन से फ्लावर पैटर्न दिया हुआ है। तो ये इसी टाइप का पूरी ओढ़नी में आपको वर्क मिल जाएगा चारों बॉर्डर्स पर, और फिर चारों कॉर्नर्स पर ये बड़े वाले फूल दिए हुए हैं। इसमें ये गोटा पत्ती है, उसके बाद में ये गोटा है बारीक वाला, और फिर ये स्टोन है, और बीच में ग्रीन कलर का फैब्रिक है। ठीक है, इस टाइप का चारों कॉर्नर्स पर मिलेगा बड़े वाले जो फूल हैं, और ये छोटे छोटे बूटे पूरी ओढ़नी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है लास्ट वाली ओढ़नी। कलर इसका येलो कलर है, येलो कलर है इसका, और सब ओढ़नियों में जिसका भी आपको पैटर्न पसंद आए, जिसका भी आपको डिज़ाइन पसंद आए, आप उसमें कोई भी कलर बनवा सकते हैं, लेस अपनी इच्छा अनुसार चेंज करवा सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी ओढ़नी पसंद आती है तो आप मुझे इंस्टा पर ममता मीना फैमिली करके ये जो आईडी शो रही है इस पे आप मेरे को डीएम कीजिएगा। बहुत से लोग पूछते हैं डीएम क्या होता है, तो इंस्टा पर आप जब मेरे पेज पे जाएंगे वहाँ पर आपको मैसेज लिखा हुआ दिखेगा, तो वहीं पर जाकर आपको मुझे मैसेज छोड़ देना है, मैं रिप्लाई करूँगी आपको। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम इंस्टा ही यूज़ नहीं करते हैं, तो जो इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा, मैं वहाँ आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दूंगी, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, उस पर कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो कॉल के लिए मैं वो वाला जो नंबर है वो यूज़ नहीं करती हूँ, वो उस नंबर पे मेरा केवल व्हाट्सअप चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप मेरे से इनकी प्राइजेस पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।